चीन की गोद में बैठकर नेपाल को बेचना वहां के पीएम केपी शर्मा ओली को आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है, क्योंकि देश में अब इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। सीमा अतिक्रमण को लेकर नेपाली कांग्रेस ने चीन के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने उसको धमकाते हुए बीजिंग की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नेपाली कांग्रेस धमकी के बाद भी अपनी बात पर अड़ी हुई है और उसने साफ किया है कि वह अपने रुख से एक इंच भी नहीं हिलेंगे। हमाला जिले में नेपाल के क्षेत्र पर अतिक्रमण करने को लेकर पार्टी ने बीजिंग के खिलाफ आवाज उठाई है। नेकपा के केंद्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाही ने चीन पर नेपाली क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए एक फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके बाद नेकपा और चीन के बीच दुश्मनी गहरा गई है। चीन ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से नेपाली कांग्रेस को धमकाने की कोशिश की और नेकपा पर सीमा अतिक्रमण मुद्दे को हाइप करने का आरोप लगाया है। चीन द्वारा शब्दों का युद्ध जारी रखा गया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन भूटान सीमा विवाद अफवाहों ने नेपाली भूमि पर चीन के झूठे आरोपों का पालन किया। अफवाह अक्टूबर में शुरू हुई थी और पश्चिमी और भारतीय मीडिया द्वारा व्यापक रूप से इसको फैलाया गया था। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि प्रस्तुत फील्ड रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने हुमला में चीनी अतिक्रमण का अध्ययन करने के लिए दोनों पक्षों के सत्यापन के रूप में एक संयुक्त समिति के गठन की मांग की है। इतना ही नहीं, काठमांडू में चीनी दूतावास ने भी रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद जल्द ही एनसी को एक पत्र भेजा है। लो लुंग जोंग में चीन द्वारा निर्मित शारीरिक संरचना नेपाली क्षेत्र में आती है और रिपोर्ट के अनुसार चीन ने हुमला में नेपाली भूमि पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने हुमला में सीमा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण टीम भेजने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी आग्रह किया है। दोनों देशों की संयुक्त टीम क्षेत्र में भेजे जाने पर सच्चाई के साथ सामने आएगी, लेकिन दूतावास के पत्र में इस्तेमाल की गई भाषा एक खतरे की तरह है। खबर हूब द्वारा विशेष रूप से प्राप्त पत्र में काठमांडू में चीन दूतावास ने कानूनविद शाही पर बार बार चीन पर आरोप लगाने के दावे फैलाने का आरोप लगाया था। दूतावास ने कहा कि शाही के दावे न केवल तथ्यों के विपरीत है, बल्कि उन दोनों देशों के बीच के दोस्ताना संबंधों को जानबूझकर कम करके आंकते हैं, जो नेपाली कांग्रेस हमेशा से प्रतिबद्ध रही है, जो हमारे दोनों लोगों के हितों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। शाही के नेतृत्व वाली टीम ने पिछले महीने यह निष्कर्ष निकाला था कि चीन ने नेपाल चीन सीमा पर अपनी 11 दिवसीय यात्रा के बाद हुमला की सीमावर्ती जिले में नेपाल के क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। ग्लोबल टाइम्स ने शाही पर अमेरिकी नीति के अर्ध समर्थक होने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने मीडिया में टीमों के निष्कर्षों का समर्थन किया। शाही ने कहा, मैं यह दोहराना चाहता हूं कि अगर कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो चीन जिम्मेदार होगा। इस बीच शाही ने दावा किया है कि चीन अपने निष्कर्षों के लिए उसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण साजिश रच सकता है।